عليكم الله الله وبركاته. الحمد لله والسلام على رسول أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. आप तमाम लोगों का वेलकम करते हैं इस्तबाल करते हैं आज के प्रोग्राम ये बात ज़रूरी है मैं हमारे साथ हाशिम भाई हैं अरशद भाई और शाफेद भाई पहले की तरह मौजूद हैं और आज का इंशाल्लाह हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सुसाइड के ताल्लुक से होगा ख़ुदकुशी के ताल्लुक से क्योंकि ये आए दिन देखने में आ रहा है अखबारों की जीनत और अखबारों की सुर्खी ये मौजू बना रहता है कि आज फ़ला लड़के ने सुसाइड किया फ़ला इंसान ने फला सेलिब्रिटी ने फ़ला एक्टर ने फ़ला बिजनेसमैन ने तो एक कॉमन डिसीज़ ये बनता जा रहा है कॉमन बीमारी बनती जा रही है तो इसलिए हम इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं इसके हल क्या हो सकते हैं इस्लाम इस बारे में क्या बोलता है और फिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे तो सुसाइड दरअसल होता है कि इंसान खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश करे सभी समझते हैं इसको खुदकुशी जिसको कहा जाता है कि इंसान कुछ भी उपाय करके कुछ भी करके यानी चाहे वो किसी जहरीली चीज़ का इस्तेमाल करे या कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके जरिए से अपने आप को मारने की कोशिश करें ये तकरीबन मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग इसको गलत ही समझते चाहे इतने मजहब हों चाहे मुस्लिम हों या मुस्लिम के अलावा दीगर मजहब हों ज़्यादातर मजाहब में इसकी मजम्मत ही आई है और सही फिर बात ये बात है कि आ, असल में इसको एक तरह से हम ना सुसाइड को बुजदली कह सकते हैं बुजदली है कम हिम्मती है और ये सामने जो मसाइल दरपेश होने वाले हैं उसका मुकाबला <स्थाँगा> करने के बजाय उससे आजमाइशों पर उतरने के बजाय उससे राह फरार इख्तियार करना और अपने आप को तोड़ लेना मौत के घाट अपने आप को उतार देना ये एक तरह से बुजदली हम इसको कह सकते हैं अर्षद भाई इसमें देखिए ऐसा है कि अगर हम कानून की बात करते हैं यानी मज़हब से हट के देखते हैं अगर धर्म से हट के भी देखते हैं ना तो जो भी कानून बने हैं उनमें तकरीबन एक लफ्ज़ कॉमन हो गया कमिट सुसाइड पहले ये अतला नहीं ये टर्म नहीं थी पहले सुसाइड को कमिट नहीं कहा जाता था लेकिन फिर इत्फाक़ ये हुआ कि इसको कमिट कहा जाए कमिट सुसाइड यानी एक जुर्म की तरह से अपराध की तरह से इसको माना गया कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो गोया कि वो एक अपराध कर रहा है लेकिन आज समाज में ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स सुसाइड करता है ना तो उसकी सहानुभूति लेने लगते हैं यानी उसके ऊपर या तो अफसोस जताने लगते हैं या उसके पक्ष में बोलने लगते हैं हालांकि समाज को ये रवैया बदलना चाहिए आज सही बात बेशक इस्लाम में इंसानी जान की कीमत है इंसानी जान की कीमत है और अल्लाह की अमानत है तो इंसान इस अमानत का ख्याल रखे मज़ीद क्या और इंसानी जान की अहमियत क्या हो सकती है जी देखिए इंसानी जान की अहमियत शरीय में इतनी ज़्यादा है हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ें जिसको अल्लाह ताला ने मेरे आप के लिए हराम करार दिया है मेरे और आप के लिए हराम करार दिया है जैसे शराब पीना है खनजीर का गोश्त खाना है मुर्दार का गोश्त खाना है ये सारी चीज़ें मेरे और आपके लिए हराम है हम आम हालात में आम मामला में नहीं खा सकते लेकिन इंसानी जान की इतनी ज़्यादा अहमियत है ना कि अल्लाह ताला ने जो हराम करदा अशिया है जान जाने के ख़तरे में उसको भी हलाल कर दिया अगर आप मरने वाले हैं जान जाने का खतरा है तो ऐसी सूरत में अगर आपको खनजीर का गोश्त मिल रहा है तो आपको जान बचाने के लिए वो खाना है आपको अगर पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है जान जाने का खतरा है सिर्फ़ शराब मौजूद है उसके अलावा कुछ नहीं है नहीं पियेंगी तो जान चली जाएंगी तो इंसान की जान की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने अपनी हराम करदा चीज़ों को उस वक्त के लिए हलाल करार दिया बिल्कुल और इसका तो इससे बहुत जी इसको, बहुत है इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं हाँ इन चीज़ों को जो अल्लाह ने हराम किया है ना वो भी इंसानी जान को बचानी जान को बचाने के इंसान का बिल्कुल बिल्कुल गलत चीज़ें खाएगा तो उसकी जान को खुद जान को खुद खतरा हो सकता है ऐसी सूरत में भी अल्लाह ने इजाजत दे दी उसकी चीज़ें हम कुरान करीम का मताल करते हैं तो हमें दो चीज़ें सामने आती हैं एक तो ये कि अपनी जान ले सकते हैं और ना ही दूसरी की जान का हम सबब बन सकते हैं इस सिलसिले में कई नसूस मौजूद हैं ना तो हम किसी को मार सकते हैं मारने का सबब बन सकते हैं और ना ही ख़ुद अपने आप को हलाक कर सकते हैं मार सकते हैं इसके अलावा ना मारना तो दूर की बात बाकायदा कुरानी करीम के अंदर अहदीत में इंसानी जान की हिफाजत की ताकद की गई है ज़ोर दिया गया है कि इंसानों की जानों की हिफाजत होनी चाहिए हिफाजत के लिए कोशिशें होनी चाहिए तो एक तरफ तो इससे भी मना किया गया कि जान नहीं लेना है दूसरी तरफ हिफाजत की कोशिश करना है जी बिल्कुल बिल्कुल और इसमें शरीयत के कानून भी है शेख जैसे कुरान की आयत है और हदीस भी है कुरान की आयत वलाकूब भी कि कोई ऐसा इकदाम ना करो कोई ऐसा काम मत करो कि जिसकी वजह से तुम्हारी जान को ख़तरा हो जाए या तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए ऐसा कोई इकदाम नहीं करना है इसको शरीय ने एक रूल बना दिया गया है दूसरी जगह पर यही बात कहते हुए अल्लाह रब्बुल ने कहा वला तक तुलु अनफू सकूँ जो हमारा आज का खास मौजू है कि अपने आप को कत्ल मत करूँ तो बहुत बड़ी बात अल्लाह रब्बुल रब्लम ने साफ लफ्ज़ों में कहा आपको कतल करने की बात है और दूसरी आयतों में आप देखेंगे तो दूसरों के कतल करने जैसे बच्चे के खौफ से तमाम कबीरा गुना के रसूल ने फरमाया की तमाम कबीरा गुना में से एक कबीरा गुना ये है की इंसान इस डर से किसी को कत्ल कर देगा मैं क्या करूँगा मैं क्या खिला। मैं मैं क्या खिलाऊंगा रोजी की वजह से, से ना। ना मतलब इंसानी जान की अहमियत को बताना मकसूद देखिए कि अगर किसी ने एक इंसान को कतल किया ना तो गोया कि पूरी इंसानियत को वो कतल किया तो यहाँ से समझ में आता है कि इंसानी जान ये कितनी कीमती हो कितनी ये तो एक उसूल के ऊपर में बात कर रहा था कि वो आए थे वाला तुल्कुबी के ऐसा भी कुछ काम ना करो जो हलाकत का सबब बन जाए ऐसे हदीस है ला जरारा वाला जी सही ना तो नुकसान पहुंचाना है ना नुकसान उठाना है।, है तो इंसान कुछ भी ऐसा कदम करे चाहे वो सुसाइड नहीं करना चाह रहे लेकिन अपनी नस काट ले या अपने आप को किसी चीज से मार ले अपने आप को जख्मी कर ले ये हो सकता है लोग सिर्फ साइड ही आराम है बल्कि इंसान अपने आप को अगर छोटी मोटी तकलीफ भी दे रहा है चाहे वो मौत की घाट ना उतरे उसकी वजह से वो भी हराम है ना कि आदमी या तो हाथ का नस काट के मर जाए या कूद जाए या फांसी जो भी हो ऐसा नहीं इनके अलावा देखें आप जो अगर गुटखा खा रहा है तो गुटके से धीरे धीरे अगर वो अपने आप हाँ, जिसको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हत्या के मैं आपको, है। जी एक चीज मैं आपको बताता हूँ हत् के ऊलमा ने बिनबाज वगैरह ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है अगर वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उन चीज़ों को इख्तियार नहीं करता है जैसे हेलमेट है सेफ्टी बेल्ट हाँ सेफ्टी है। बेल्ट है ये सारी चीज़ें और रफ्तार है और उसके अलावा सिग्नल्स जो होते हैं आमतौर से हमारे यहाँ ये रूल्स हो गया है कि नौजवान हो या जो भी हो वो जो है सिग्नल वगैरह तोड़ते हुए निकल जाते हैं और बिल्कुल ज़रा भी फिक्र नहीं महसूस करते उनको ये समझना चाहिए कि अगर सिग्नल तोड़ते हुए भी अगर उनकी वफात हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मर जाते हैं तो ने लिखा है कि ये भी खुदकशी के कबील से है ये भी खुदकुशी के, खुद के खुद है, है ना। क्योंकि वो अपनी जान वो का खुद परिमेदार बन रहे हैं हैं खुद जिम्मेदार बन रहे वो अपने आप को हलाकत में डाल जी तो ये भी तो एक शक्ल बन सकती है खुदकुशी की तो इस उसूल की बुनियाद पर बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती जी जी मतलब ये एक उसूली बात है इसके तहत वो तमाम चीजें जो आपकी हलाकत का सबब बन रही है चाहे फौरी तौर पर या धीरे धीरे वो सब गलत है सबसे बस वो सब उसी जिम्मे में आएगी ऐसा होता है शराब कि आज, हुआ आज के समाज में आपका भंग गाजा वगैरह या सिगरेट वगैरह या इस कबील से मतलब जितनी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खत्म कर रही हैं तो ऐसी तमाम चीज़ों से आपको बचना है तो, तो ये देखिए इस्लाम की खूबसूरती जान की कितनी हिफाजत कितनी एक तो बराह रास्त कत्ल करना या अपने आप को कत्ल करना या किसी को कर, ये भी हराम है और साथ ही साथ जो आयत और हदीस मैंने पढ़ी उसकी रोशनी में अगर उस तरफ जा भी रहा है जी। तो वो भी हराम है इंसान नहीं जान को हलाक करना तो छोड़ो जान की बचाने की बात की गई अन्नमा जमीअ अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया कि पूरी की पूरी इंसानियत की इससे समझ में आता ना कि मतलब किसी की जान की हिफाजत करना उसके लिए कोशिशें करना बचाना ये कितना अहम है कि अगर एक इंसान की जान बचाई तो गोया की पूरी इंसानियत ये पूरी इंसानियत की जो बात कही गई है इससे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है हमारे बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ ये असल ये एक एक्सट्रीम एक पर चले जाएंगे ना तभी गलत है तभी गलत। लेकिन ये ये जो स्लो पॉइजन हम खा रहे हैं चाहे कुछ भी हो जैसे कि इंटॉक्सिकेशन जो भी जो हो जिस भी तरह का हो सकता है हल्का या भारी भारी वो सब भी इन्हीं चीज़ों के कबील से आता है और, और ख़ास तौर से ना ये बात जो शेख ने रखी ना इस पर बहुत तोज्ज देने की जरूरत है कि हमारे नौजवान इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते आप देखिए इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और कितने हादसा ऐसे होते हैं इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि अक्सर जो डिलीवरी बॉयज़ है जो डिलीवरी करने का काम करते हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते काफ़ी लोग हैं हाँ कुछ तो, लोग हैं जो रखते हैं लेकिन जो नहीं रखते हैं, उनको ख्याल करना चाहिए कि ज़्यादा के चक्कर में वो जो है सिंगल कितने एक्सीडेंट ऐसे लोगों के हो जाते जा, है। आप हैं आप

हालात तो देख थे इस तरह के लोग मतलब ये तो मुंबई का मामूल है इस तरह लटक करके जाना है ऐसे लोगों को समझ उससे मतलब उस बढ़ करके देखो कि लोग एक तो लटके हुए हैं दूसरा सेल्फी लेना और ये लेना फोटो करना वो सब चीजें इस तरह से करते हैं उसके टे टे ले 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 है। के भी 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 है है तो तो ऐसे ऐसे पे पे जाकर जी, भी जाकर जी लेता वहां तो बचना चाहिए वो बिल्कुल एकदम कॉर्नर में तो खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं तो गोया आप ऐसे ही काम कर रहे हो जो आपको हलाक कर सकता है जरा भी पैर फिसल गया आप नीचे गिर जाओगे जिम्मेदार आप खुद हो ना उस चीज के बिल्कुल ऐसे जान की हिफाजत बहुत जरूरी है उसके लिए कोशिशें होनी चाहिए इतना इस कदर मतलब है कि इतना ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं इतना ज्यादा इस तरह की हरकत की वजह से लोगों की मौतें हो रही है अगर हम इसके शरह के अतबार से देखेंगे ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे

ये कितनी बड़ी बात है सोचिए इतनी इसमें बड़े पैमाने पर इसमें ये है कि अगर एक बंदा खुदकुशी करने में कामयाब हो जाता ना तो उसके पीछे 20 कोशिशें हो चुकी होती हैं 20 लोग कोशिश कर चुके होते हैं हाँ। वही कोशिश की जहाँ आपने बात कही आप ना तो डब्ल्यूएचओ के हाँ रिपोर्ट के मुताबिक के कोशिश करने वाले लोग तकरीबन दो करोड़ हर साल 2 करोड़ लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं और उसमें किसी का हाथ टूट जाता है किसी का पैर टूट जाता है सर पर मार लग गया तो वो पागल हो जाता है उसी सिचुएशन में वो जिंदगी बसर कर मतलब ये हुआ कि अगर वो मरता नहीं है ना तो फिर हाँ, जिंदा रह करके भी ज्यादा कुछ, कर कुछ नहीं कर पाता है ऐसा है कि खुदकुशी के जो रेट्स है ना ये अक्सर वेशतर समझा ही जाता है कि गरीब तबका ज्यादा कर जी लेकिन नहीं लेकिन लगता ये है कि अमीरों के अंदर भी इसका रेट बहुत ज्यादा है बिल्कुल खुदकुशी की जो शरह है ना वो अमीरों के अंदर भी बहुत ज्यादा है एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी जो अभी तरक्की कर रही है उसमें बाकी नॉर्मल रेट से ज्यादा डेढ़ परसेंट ज्यादा खुदकुशी बढ़ी है।, है और इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रिया है यानी जो तरक्की कर चुकी है उनके यहाँ साढ़े तीन परसेंट ज्यादा है इजाफे के साथ है असल में जो लोग आंकड़ा ये दिखाने की कोशिश की, की जाती है गरीब लोग कर रहे हैं हालांकि जो चमचमाती दुनिया के लोग हैं जिनके महिलात चमचमा रहे हैं जो मालो दौलत के मालिक गए उनके यहाँ इसकी शर और ज़्यादा ज़्यादा है नहीं असल में जो बड़े लोग ये मतलब ये नहीं, नहीं कहा जा सकता है कि बड़े लोग, है। लोग ही कर रहे हैं या छोटे लोग कर रहे हैं मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब लोग या अमीर लोग ही खुदकुशी कर रहे हैं ऐसा नहीं है बल्कि हम इस इंडिया में रह रहे हैं यहाँ पे देखो तो बहुत सारे गरीब भी हैं और अमीर भी हैं सारे लोग हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक लाख पैंतीस हज़ार से ज़्यादा लोग ये सुसाइड कर रहे हैं मतलब इंक्रीज हुआ है इसमें इस तरह की एक लाख तिरपन हज़ार हो गया हजार तो हो तो हो ये ये जो सुसाइड है ये क्या है मतलब डिप्रेशन या किसी उलझन या परेशानी मुसीबत में आके आदमी करता है ना तो मुसीबत जिसके साथ भी हो हम ये देखेंगे आमतौर पे मुसीबतें किन के साथ ज़्यादा आती हैं जैसे कोई किसान है कोई मजदूर है या कोई भी इस तरह का परेशान हाल है वो कर सकता है और आमतौर पर जो बड़े लोग होते हैं ना तो उनके यहाँ उलझने ज़्यादा होती हैं टेंशन, क्यों होता है इसके तो बार बार कर जो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं बिलो पॉवर्टी या फिर ये मिडिल क्लास के लोग उनके यहाँ सुसाइड ज्यादा होता है लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट मैंने ये पढ़ी की आम लोगों के बिलमुका ऐसे मुल्कों में सुसाइड जी की शरत ज्यादा तो मुझे ये बात खटकी इसके लिए मैंने आपके सामने रखा कि जो मालदार कंट्रियाँ जो तरक्की कर चुकी हैं उनके यहाँ पर सुसाइड ज़्यादा हो रहा है नहीं तो उनके अचीवमेंट भी लंबे लंबे होते, है ना। लंबे होते हैं ना तो गोल लंबे होते हैं गोल लंबे, होते हैं जिंदगी में उलझने कारोबार बिजनेस घर खानदान में झगड़े सही बात है प्रॉपर्टी का मामला वजह क्या हो सकती है मैं अभी आपको बताऊं कि अगर मैं बहुत पहले की रिपोर्ट पेश करूं तो जरूरी नहीं कि वो जो गरीब तबका के भी लोग हैं वही सुसाइड करते हैं बल्कि बहुत अचीवर बहुत ज़्यादा कामयाब जो अपने फील्ड में होते हैं वो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं जैसे मैं आप उन्नीस की रिपोर्ट आपको बताऊं सन उन्नीस में एक एक्ट्रेस थी अमेरिकन जिसके आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में उसके कुछ पॉज बहुत मशहूर हैं लोग उसको स्टेचू वगैरह बना करके भी रखते हैं मार्लिन वगैरह बहुत मशहूर है बहुत बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी अभी सारी एक्ट्रेस जो आज की हैं वो लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं बहुत कामयाबी किसरे पर थी वो कम से कम बहुत कम उम्र में छत्तीस साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया सोचो तो जबकि कामयाबी उसको कदम चूम रही थी आज भी उसको लोग कामयाबी समझते हैं लेकिन बस सुसाइड कर लिया किसको कौन कब सुसाइड कर सुसाइट ले सुसाइट कोई अहमियत तो नहीं असल में सुसाइड इतना आसान कर दिया गया ना कि अब किसी के लिए मुश्किल नहीं रहा करना अभी किसी के इंसान के दिल में उठी वो एक, एक ये तो कि अचानक नहीं उठती बात पीछे से आता रहता है वो एक प्रेशर होता है उसके पास वो उसको हर्ट करता रहता है वो धीरे धीरे आकर के वो सुसाइड कर लेता है तो इसकी शक्लें क्या हो सकती हैं एक तो मशहूर है वो रस्सी पर लटकना इंसान रस्सी बिल्डिंग से कूद जाना बिल्डिंग से कूद जाना भी एक हो सकता है मतलब बहुत सारी हैं सारे के तो बहुं बहुं ट्रेन के आगे बैठ जाना या ट्रेन में कूद जाना पटरी पे कूद जाना क्या है चूहे की दवाइयां भी मतलब खाई जाती है अक्सर ऐसा होता है की वो जो खेतों मतलब में जो जाना पटरी जाती है रखी जाती है ये फिर जो करके होता है उसमें रखी जाती वो खा लेते हैं लोग और वो इतनी ज्यादा असर करते हैं कि खाते पूरा अंदर का हिस्सा जला देती है वो कुछ नहीं जी जी तो मतलब बहुत सारी शक्ल असबाब जैसे जहर पी लेता वो भी सब लेकिन असबाब देख कर तो लगता है कि हम असबाब को बंद करके कुछ नहीं कर सकते यानी असबाब नहीं जरा जराए को ये इन चीजों को बंद करके कुछ नहीं, कर सकते। नहीं, नहीं इसको बंद किया जा भी आप रस्सी पे क्या 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 लटक हैं हैं। जाते हैं लोग छुरी से हाथ काट लेते हैं आप सब्जी अब काटने के लिए बंद करते हैं घरेलू हाँ मतलब यानी वो चीजें जिनके जरिए मुहैया होती है उसी के जरिए करता है रोकना है तो असबाब पर ध्यान दे और उसका इलाज करें पहले एक बात ये किसी का कहना था कि अगर लोग सुसाइड करने लगे ज़्यादा तादाद में रस्सी के ज़रिए से तो जो बिज़नेस मैन लोग होंगे वो रस्सियाँ बेचने लगे, लगे। हाँ। सही बहुत से लोग क्या है कि हमदर्दी है बहुत से लोगों के अंदर ये समाज के अंदर जो बुराई है उनको रोकने की लेकिन कुछ एक ऐसा तबका भी बैठा है जो उसी को अपनी दुकान समझ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो इससे पहले हम इस बाब पर गौर कर सकते हैं कि सुसाइड की क्या वजह हो सकती है वजूहत में जो है कारोबार में नाकामी महरूमी कोई बड़ा बिजनेस है अब वो फ्लॉप हो गया बड़ा कारोबार शुरू किया था तो टेंशन में आके क्या करेगा असल में आमतौर तो पर हमारे यहाँ होता क्या है कि आदमी दुनिया हासिल करने के लिए ऐसा नहीं कि जितना उसके पास है उतने में वो खुश रहे या कुछ करने की कोशिश करे एक अच्छा खासा हिस्सा वो लोन लेकर आता है या किसी से कर्ज लेकर आता है कुछ बड़ा बनने के लिए अब बड़ा तो नहीं भर पाया फ्लॉप हो गया अब जो भरना था वो कहाँ से भरे नहीं वहाँ आप ये बात कह सकते हैं कि इसमें सूदी निज़ाम खुदकुशी करने में ना सूदी निज़ाम जिसको शरीयत ने हराम किया है ये एक बहुत बड़ा किरदार अब यहाँ कोई समझ में नहीं आता से वो कवर होगा ना कि आदमी अपने घर को मैनेज कैसे करे जब इससे परेशान होता ना उसके खाना बच्चों का फीस ये सारी चीजों में जब परेशान होता है तो क्या करेगा सीधा उसको सिर्फ यही दिखता है कि अपने आप को कहीं फांसी पर लटका लो सुकून मिल गया सारी चीज से खत्म जबकि उसको का मामला है है किसी से कर्जा लिया इसकी मिसाल उसका बहुत सारी बातें हैं और जिसे कुछ लोग हैं जिसे लीगल कहीं केस वगैरह हो गया कोई किसी केस में फंस गया है अब उससे निकलने का कोई रास्ता उसके पास नहीं है या कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है तो आदमी क्या करता है अब वो केस लड़ नहीं सकता उसके पास पैसे नहीं है और सारी चीजें नहीं है तो अपने आप को हलाक कर लो या हो सकता है अब किसी जुर्म में फंस गया है वो साबित हो गया है जुर्म उसका तो क्या करे अब उसको पता है कि जेल जाऊंगा हमारे घर वाले पड़तालीस जाएंगे और क्या क्या परेशानियां अच्छा अपने आप को मार लो इसमें ऐसा में ऐसा भी होता है ना कि जिंदगी में कभी कभी वो कुछ ऐसा काम कर जाता है ना कि जब लोगों को मालूम हो जाता है ना तो वो शर्मिंदगी महसूस करता है मतलब उस अपने करतूत और काम की वजह से सोचता है कि लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा इससे अच्छा मर जाना ही बेहतर है है ना नहीं ऐसे भी हादसा इसमें एक शक्ल ये भी है कि मतलब किसी पर जुल्म हुआ हो जैसे हमारे यहाँ आमतौर से औरतों में होता है कि किसी औरत के साथ रेप हो गया अब करने वाले ने तो गलती की लेकिन जिसके साथ हुआ उस पर तो जुल्म हुआ ना उसको लोग जो है उसको मतलब तसल्ली देनी चाहिए और उसकी हिम्मत अफज़ाई करनी चाहिए तो लोग उसको इतने ताने मारते हैं कि वो ये समझती है कि अब मेरे लिए ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता है मर जाना ही बेहतर है क्या मुँह दिखाऊंगी कैसे मुँह तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह बनती है कि किसी के ऊपर जुल्म क्या था कि जुर्म किसी पर साबित हो जाता है तो अभी करीब का आ क्या है मिस्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी की लड़की को किसी लड़के ने प्रपोज किया कि शादी के लिए उसको कहा लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया और उसका एक्सेप्ट नहीं किया तो उस बंदे ने उसको कत्ल कर दिया मार दिया फिर मारने के बाद वो फ़रार हुआ फरार होने के बाद कुछ दिन के बाद खबर आई है कि उस इंसान ने लड़के ने खुदकुशी कर ली वजह ना कि इमोशन है ना एक इमोशन है अब इमोशन के साथ में जब खिलवाड़ होता है ना उसके जब टूटता है वो इमोशन तो आदमी क्या करेगा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय अपने जान के हलाक करने के उत... क्योंकि इमोशन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि एक इंसान का आ, मतलब कोई उसका रिलेटिव कोई बहुत ज्यादा प्यार करने वाला था उससे उसकी तरफ से रिजेक्शन आ गया या कोई हो सकता है कि घर वालों में ही किसी अपनी बहन का या अपनी बेटी का कहीं पर तलाक हो गया तो उसकी वजह से क्या करते हैं सामने से घर वाले भी खुदकुशी कर लिए या फिर कुछ नहीं तो वो लड़की खुदकुशी कर लेती है हाँ, तलाक से से कभी -कभी लड़की और जो लोग अफेयर करके शादियां करते हैं ना तो उनसे क्या मामला होता है कि दोनों रिश्तेदार जो होते हैं ना दोनों खानदान वाले तोड़ देते हैं अपने रिश्ते को उससे अलग हो जाते हैं तो अब वो दो लोग आपस में रह रहे हैं जिंदगी बसर कर रहे हैं प्यार मोहब्बत करके शादी किए थे लेकिन अब जिंदगी है कभी उस नीच होता है लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या होगा लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस इमोशन को टूटने की वजह से आदमी क्या करता है अब उनको कोई समझाने वाला नहीं है तो जाकर के खुदकुशी कर लेते हैं कि आप पर भरोसा था, आपके भरोसा टूट गया तो खत्म अपने आप में जी मैंने बल्कि मुशाहिदा भी बाकायदा किया इसे कई हादसा सामने आए हैं कि बहुत से लोग मोहब्बत में जब हार जाते हैं ना तो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं मतलब दूसरे से तो 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 ना कि बस हम दोनों एक साथ अच्छा पहले जो फिल्में चला करती थी ना अभी तो नया दौर है फिल्मों का लेकिन इससे पहले की नाइनटीज की जो फिल्में थी उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब कोई इमोशनल करना होता था जब ऑडियंस को तो लास्ट में जो हीरो होता था जो हीरोइन होती थी दोनों मर जाते थे खुद ही मार लेते अपने आप को एक दूसरे को मार जाते थे कल्चर चलाया गया, 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 गया कि ट्रेंड किया गया करके पेश करने की कोशिश की गई है कि अगर कोई मोहब्बत में जान देता है तो वो बहुत बड़ा काम बहुत बड़ी गलती है असल में नहीं वो असल उसको दिखाना चाहता है की भाई देखिए हमने आपकी मोहब्बत में जान तक दे दावे भी होते हैं ना हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं ये तो आम सी बात है सही बात एक है। दूसरे लिए और जैसे अभी पीछे सुशांत सिंह का जो केस चला था इस केस में सुसाइड उसके लिए क्या वो डिसाइड हुआ कि इसने सुसाइड किया था लेकिन आज भी अगर मैं ट्विटर खोलता हूँ ना उसके नाम का ट्रेंड चलता है उसके नाम का सुशांत सिंह के नाम का ट्रेंड चलता है कि इनको इंसाफ दिलाओ या ये, दिला। ये करो वो करो। लेकिन यहाँ बात करनी ये है इस पर बात करनी चाहिए कि एक बंदे ने खुदकुशी की है एक बंदा खुदकुशी कर चुका है अब एक खुदकुशी कमिट है यानी एक वो गुनाह की जुर्म की अपराध की हैसियत रखता है आप उस बंदे को इतना ऊंचा कर दे रहे हो तो अगले बंदे जो और होंगे दूसरे जो समाज में इतनी बड़ी हैसियत के मालिक नहीं है वो भी अपने आप को मशहूर करने के लिए या अपने लिए इज्जत और सहानुभूति बुन बढ़ावा मिलेगा वो भी करेंगे सुसाइड इस चीज को ख़त्म करना चाहिए अगर किसी बंदे से सुसाइड होता है अभी जैसे आयशा का मामला हुआ था जो दहेज की वजह से उसने खुदकुशी खुद कर ली थी नदी में कूद गई थी तो उस वक्त भी तकरीबन तमाम लोगों ने ऐसा ही गमगीन मिजाज बना करके उसकी सपोर्ट में किया था एक... अच्छा फेसबुक पे पे या ट्विटर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं बस मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है मैं कुछ करने वाला हूँ या कुछ करने वाली हूँ तो अभी ले बहुत सारी रिसेंट में बहुत सारी चीजें उसमें दो रुख थे मामले के एक तो गलत काम जो उसके साथ हुआ है एक तो उसकी अपनी जगह वो करनी थी हमें खिलाफ वर्जी करनी थी खिलाफ दिखाना था लेकिन दूसरी तरफ जो उसने जुर्म किया था उस जुर्म को भी नुमाया करना सही बात की ये कोई अच्छा काम उसने नहीं किया इसकी वजह से हम उसकी हमदर्दी में नहीं है बल्कि उसके साथ जो गलत हुआ है उसकी वजह से हाँ गलती पर, पर तम भी हो लेकिन ये जो गलती है इसको छुपाया इसको ना जाए बिल्कुल नहीं छुपाना और इसके ऊपर जो है इमोशंस के पर्दे डाल करके और जो है अच्छाई के पर्दे डाल करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश ना की जाए बिल्कुल बिल्कुल भाई ये अच्छी चीज है समाज में उभार मिलता है सुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग अपने दिल में ये जज्बा रखते हैं मान लीजिए कोई बच्चा है बारहवीं या दसवीं में फेल हो गया किसी को जॉब नहीं मिली उसने वादा किया था मुझे जॉब मिल जाएगी ठान रखी थी अभी मान लीजिए अभी ये अग्निपथ ना सरकार ने निकाली स्कीम और इससे करोड़ों लड़के हिंदुस्तान के लेकर बैठे थे तमन्ना कि हमें फौज में नौकरी करनी है और इतने लंबे अरसे तक करनी है अब वो लोग क्या करेंगे बल्कि कुछ लोगों ने किया भी कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया इसी बुनियाद पर के हमारे एक तरफ लोग तवज्जो देंगे हमारी फरियाद सुनेंगे हमारे ऊपर तरस खाएंगे रहम करेंगे तो इस तरह से बढ़ावा मिलता है सोसाइटी ऐसा कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। है, अभी वो देखो इससे पहले अभी एक दो साल पहले आप देखो कितने किसान लोगों ने आत्महत्या की थी उससे वो सोच रहे थे कि मतलब मैं आत्महत्या हम, हम लोग करेंगे तो उनको कुछ बढ़ावा मिल जाएगा उनको कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएगा उसको काम करने के लिए कुछ नहीं मिला उनको जबकि वो अपने आप को हलाक करना क्या मिला उनको उनकी फैमिली का क्या होगा उनके घर वालों का क्या होगा इसके बारे में सोचा नहीं उन्होंने जबकि इतने ज़्यादा तादाद में उसकी रिपोर्ट तो नहीं देख सका अगर किसी ने देखा हो तो बताएं कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया था किसानों के मामले में तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस आते रहते हैं आए दिन खबरों के असल में किसानों की भी सुसाइड में ना एक बड़ा हिस्सा मैंने जैसे कहा ना सूदी लेन देन का सूदी मामला से, से, खेती है तो अब उनको सिवाय नहीं, नहीं, नहीं उसमें अच्छा रेट जब नहीं मिलता अच्छा खासा पैसा लगाया मेहनत किए और यही एक उम्मीद थी कि एक अच्छा रेट मिलेगा तो कर्जा चुकाऊंगा और घर चलेगा तो अब अच्छा रेट मिलता नहीं दहेज जैसे आयशा की बात हुई दहेज एक बहुत बड़ा है दहेज आज हमारे माशरे में जिसको मतलब ऐसा हो गया है ना आप दूसरे इलाक़ों में अपने स्टेट यानी महाराष्ट्र के अलावा आप दूसरे स्टेट्स में देखें तो वहाँ पर एक चलन बन गया है चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो दहेज लेना ही लेना है उसके बगैर शादी होगी ही नहीं और आप देखेंगे दहेज के लिए सबसे ज़्यादा कवानी कब बनाने पड़े पता है आपको 1980 से 1990 के बीच में हिंदुस्तान में इतने ज्यादा खुदकुशी के वाकत हुए सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से जिसकी वजह से दहेज पर सख्त कवानीन बनाए गए उसके बावजूद भी ये चीज़ खत्म नहीं हुई और आज भी ये चीज जारी है कि दहेज की वजह से पूरा पूरा घर खुदकुशी कर लेता है उसमें कैसा ना तकलीफें दी जाती हैं टॉर्चर किया जाता है बाकायदा तो आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करे कभी अब... कभी ना इंसान अपने इज्जत के लिए इज्जत नफ्स के लिए अपनी मूछ बचाने के लिए ये काम करने लगता तो एक बार ऐसे हुआ था एक वाक्य ऐसे हुआ था हमारे मोहल्ले का वाकया था उसमें एक शख्स अपने घर पर उसकी शादी थी अपने भाई को दावत देने के लिए गया दावत जब देने के लिए गया भाई ने थोड़ा तीखे अंदाज में कुछ बोल दिया तीखे अंदाज में कुछ बोल दिया तो वही चीज़ उसके दिल पर लग गई अब हाँ वो इतनी बुरी लगी कि जाकर के खेत में जो रखते हैं चीज़ दवाई जो रखी जाती है वो खा ली और उसके बाद एक हकीकत है ना अगर किसी के जज्बात के साथ आदमी खेल रहा है या उसकी इंसल्ट तोहहीन कर रहा है ना तो कभी कभी उसको वो दिल पे ले लेता है बहुत बुरा लगता है तो ये दसवीं में बारहवीं में है कोई रिजल्ट का वक्त है और माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो फर्स्ट आएगा सेकेंड आए गए अच्छे मार्क्स आएंगे और बच्चा फेल हो गया अचानक मतलब रिजल्ट आया को फेल हो गया जो भी रहा हो ना पढ़ा हो या जो कुछ भी रहो फेल होने की वजह से आप घर वालों के डर की वजह से वो इंसान क्या करेगा वो बच्चा नहीं, एक तो वो है, लेता। ताना भी है ताना भी ललका इतना नंबर लाया वो इतना लाता है तुसी नाम मुकाबला है। के लिए मुकाबले भी बहुत सारे ताने भी कभी कभी इतने हो जाते ना कि आदमी बोले मर क्यों नहीं सकते आप तो अभी आप किसी घर में आप मेहमान बन करके जाए हमारे बच्चा हमारे बच्चों को इतना आता है ये ए सी डी एक सांस में सुनाएगा सूर्य फातह एक मतलब एक वक्त में सुना देगा इसे एक सांस में बैठे बैठे सुना दे ये जो बिल मुकाबिल लोगों को पेश किया जाता है ना हमारा बच्चा तुम्हारे से तुम्हारा बच्चा हमारे से अच्छा ये जो पेश किया जाता है ना ये बच्चों को मतलब ये है कि आप एक तरह से खतरे में डालने के मुतरिफ है ये खतरे में डालने के बल्कि अलग तरीके से हौसला अफजाई देनी चाहिए कि फला थे मोहब्बत मतलब नहीं होती है उनकी एक होता है ना कंडीशनल मोहब्बत हाँ। कि आप कहोगे कि ऐसा करोगे तो आपको ये दिया जाएगा आप ये एग्जाम में बारहवीं में पास किए तो मोटरसाइकिल में तो आईफोन मिलेगा ये मिलेगा जो वादा किया जाता है अब वो बच्चा उम्मीद लगाए बैठा फेल हो गया तो क्या नहीं अगर अनकंडीशनल होती कि जैसे माँ मोहब्बत करती मैं मतलब जब्त नहीं कह सकता हूँ कि सारी माएँ ऐसी होती हो सकता है कोई माँ ऐसी होगी जो कंडीशन लगा करके मोहब्बत करती किसी बच्चे से और लेकिन बाप कंडीशन के साथ और माँ अनकंडीशनल मोहब्बत करती ये ज़्यादा उमूमन है उसमें क्या होता है कि माँ कहती है एक बेटा हमारा जैसा भी है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है मोहब्बत होना चाहिए बच्चों के लिए यह मोहब्बत हर एक को बच्चों के सामने पेश करना चाहिए इससे बच्चों की बढ़ोतरी होती है उनमें तरक्की करने में हमारे है हमारे लिए अच्छा, है। अच्छा, लेकिन अच्छा लेकिन फर्क गलत फर्क तो नहीं समझते इ... ना नहीं। मतलब उसकी इसलाह किया जाए लेकिन होता है ना कि भाई हमारा बच्चा थोड़ा जहाँ कमजोर है असल में फर्क नहीं समझते घर वाले घर वालों को फर्क ये करना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ रहा है तब उस पर सख्ती की जाए जो वक्त पढ़ने का है ना तो वाली दिन को चाहिए कि उस वक्त सख्ती करे कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़ने से पहले हाँ रिजल्ट आने से पहले लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो तब वक्त होता है वाले का कि तसल्ली दे बच्चे को हिम्मत दे हौसला दे, नहीं, दे कभी कोई कभी बार, कभी ने, होता ने इस बार फेल हो गया देखिए कैसा होता है ना हशिम भाई की जरूरी नहीं है आदमी नहीं पढ़ के ही फेल हो आदमी कभी, कभी कभार पढ़ करके भी फेल हो जाता है हो पढ़ा जाता है मेहनत किया है लेकिन नहीं हो पाया कभी हो सकता है की वजह से हो जाए वाले का काम यह है कि बच्चे को हिम्मत दे हौसला दे लेकिन हमारे यहाँ माशरा ये करता है ना कि उनको इतना ताना इतनी तकलीफे देता है कि आखिर में वो सोसाइटी बच्चों का ख्याल करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है उसी से, तो से सोचना चाहिए वो बच्चों को मार्क्स से देखने की कोशिश करें इस वजह से हमने ये प्रॉब्लम है हमारे समाज कोर्ट के हिसाब से देखें ना तो ज्यादातर सुसाइड जो आपको मिलेगा वो पंद्रह से उन्नीस या बीस साल की एज के बीच में मिलेगा और एक सत्तर प्लस जो लोग होते हैं एक पैंतीस से सत्तर ज्यादा है एक से तो 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 और एक तो ये असल में इन पर प्रेशर इतना बना दिया जाता है ना इनसे इतनी आर्जुए और उम्मीदें लगा दी जाती हैं कि उनको लगता है कि अगर हमने ये पूरी नहीं की तो हमारा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं और ऐसा भी होता है ना देखो शावे भाई ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अभी ऑनलाइन गेम का ज़माना है इस पर भी हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे उसमें पैसा लगाया जाता है तो बच्चा एक एक रिपोर्ट बल्कि एक खबर आई थी उसमें लड़के ने अपनी माँ के अकाउंट से कई लाख रुपये उसी गेम के लिए उड़ा दिए अब उसको जब पता चला कि इतने लाख रुपए खर्च हो चुके वो उसको पता नहीं चल रहा था वो अपना सब कुछ खरीदता जा रहा था लेकिन जब पता लगा कि टोटल इतना उड़ चुका है घर में डिस्कस हुई ऐसा तो उस बंदे ने लड़के ने खुदकुशी कर ली और मुझे समझ आ आ रही है है। कि जैसे कोई लड़की कहीं कंपनी में जॉब कर रही है अब उसका किसी ने जो है वीडियो बना लिया अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है अब वो एक ऐसी चीज़ है वो किसी को बता नहीं सकती दिखा नहीं सकती इज्जत का भी मामला है अब वहाँ से ब्लैक मेलिंग भी चल रही है तो अब वो समझती है कि शायद इसका रास्ता खुदकुशी है इसी तरीके से कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़की के साथ ऑफिस में या बाहर कहीं कुछ गलत हुआ अब वो घर पर नहीं बता पा रही हिम्मत नहीं जुटा पा रही है अब वो परेशान है अब वो टेंशन में आके खुदकुशी खुदकुशी कर लेती है। ये तो खुद के 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 मतलब बहुत बहुत सारे हो सकते सारे हो 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 सकते सकते हैं हैं सकते के सकते हैं। हैं। हैं, भी किसी लेकिन इन सब में पता एक है एक चीज कॉमन है अक्सर पचास परसेंट जो खुदकुशी के केसेस होते हैं उसमें एक चीज कॉमन है डिप्रेशन 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 का जो शिकार बनता होता है अक्सर खुदकुशी केसेस बल्कि आधा पचास खुदकुशी के केस में डिप्रेशन आपको जरूर जरूर मिलेगा इंसान जहनी दबाव का शिकार हो जाता है अब जैसे हमने जो शक्लें जिक्र की उनमें से भी अक्सर शक्लों कि इंसान जहनी दबाव का शिकार था और वो नहीं उसको रास्ता मिल जाता कि किस तरह से उभरे तो ऐसे इंसान खुदकुशी कर लेते और और इसमें एक, एक वजह भी मैं जिक्र कर जैसे कुछ लोगों को बीमारी हो गई ऐसी बीमारी जो समाज में नहीं पाई जाती थी या उनको नहीं मशहूर थी वो वो बीमारी हो गई तो उनको लगता है कि अब मेरा क्या होगा मतलब मुझे ऐसी बीमारी हुई है कि लोग समाज में अगर पता चला तो मेरा मुंह तो काला हो जाए मैं तो लोगों के सामने नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा तो इस वजह से भी लोग खुद कुछ कर कुछ बीमारियों को, <laughs> को बदनाम कर दिया गया है बीमारियों को बदनाम कर दिया गया जैसे एड्स की बीमारी अभी किसी शख्स को एड्स की बीमारी हो जाए तो वो लोगों के सामने बोलते से शर्माता है कि वो मुझे एड्स की बीमारी हुई लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका एक ही सबब हो उसके कई होने के हो सकते हैं किसी का खून लग गया हो या उस आदमी के साथ चढ़ गया, गया हो और तो तो दूसरा कुछ बीमारियां ऐसी होती है की जो इंसान बीमार है अब बिस्तर पे है दायमी और दायमी बीमारी हो गई है उसकी ऐसी बीमारी हो गई शेफा कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है तो आदमी ये समझता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है तो इसलिए कर लेगा। जबकि जरूरी नहीं है मतलब हो सकता है बीमारी का इलाज हो जाए भाई इलाज हो, हो, हो सकता उसे रहे है नजर अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने बीमार रहे उनका सब कुछ छिन गया मतलब सारी नेमतें छिन ने सब कुछ छीन लिया उस तरह आजमाया फिर भी उन्होंने उस तरह उनको सब्र करना और इसके साथ में एक वजह और मैं जिक्र जिसे कुछ लोग बुलिंग करते हैं मसलन किसी को बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं वो मोटा है वो काला है वो पतला है मतलब इतना ज्यादा उसको चढ़ाना इतना ज्यादा चढ़ाना अगर उसके अंदर वो डिफेंस करने का जो उसके अंदर होना चाहिए ना वो अगर बर्दाश्त करने का मादा अगर जो होना चाहिए वो नहीं है ना तो आदमी क्या करेगा यार रोज का हमारे साथ में यही मामला है कि रोज मुझे लोग चिढ़ाते हैं रोज मुझे गलूटा बोलते हैं और रोज मुझे बोलते हैं अपंग है अपाहिज है, है रोज बोलते हैं मोटा है तो उससे क्या करता है इंसान खुदकुशी कर लेता है ये सारी मैं खाली आपको बताना अच्छा, चाहूंगा अच्छा, इसी में इसी से मिलता वो ये आमतौर पर हमारे यहाँ अभी एक ऐसे वीडियो मशहूर हो गए हैं जो आमतौर पर फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर आपको दिखते होंगे कि कुछ यानी इंडिया का नहीं होता है वो आउट ऑफ कंट्री का होता है आउट ऑफ इंडिया का होता है उसमें ये होता है कि बिल्डिंगों की बिल्डिंगों के ऊपर लोग साइकिल चलाते हैं हाँ। या स्केटिंग करते हैं ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पर कूदना वो बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पर जंप करना ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं ना ये वीडियोस भी जो है बहुत मुतासर करते हैं लोगों को और आदमी कोशिश करता है कि मैं भी इस तरह का कुछ एडवेंचर करूं कुछ इस तरह आप का आप देखते हैं इससे करीब करने वाली स्टंट जो 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 करते करते हैं के से, कार के स्केटिंग से, जो चलाते हैं हैं चलाते आप देखेंगे कितनी तेजी से वो रोड पर चलाते हैं वो भी ऐसे रोड जहाँ पर एक इंसान का गाड़ी चलाना मुश्किल है वहां पर जानकर हो जाते हैं वो अगर बाइक को स्लिप ना मार सके या बाइक को पहला पहिया या पिछला पहिया ना उठा सके तो उसको मतलब वो राइडर नहीं गाड़ी नहीं चलानी आती है सही बात हालांकि ये चीज जो हलाकत में डालने वाली चीज है

कि वो बोरिंग लव्ज एक था जिंदगी जो है ना हमने इतनी गुजार ली है वो अब काफी है अब ज्यादा जीना मतलब बोझ बनना है एक एक शख्स तो बल्कि सड़सठ साल का हो गया था उसने लिखा कि मैं पचास साल का ही ठीक था मुझे वहां अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए थी ये सत्रह साल में थोड़ा आगे -ागे आगे -ागे। आगे। इसलिए मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा उनके पास कोई खास वजह नहीं है वो बोर हो चुके है। अब उनको जीने का नहीं है। मैं मकसद आपको कि उसमें ना जो लोग बहुत खुशी की जिंदगी हमेशा जिए बहुत मालदार रहे कभी उनको कोई परेशानी नहीं कोई तकलीफ नहीं आई तो जब नब्बे साल की एज को पहुंचे ना तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया है सब कुछ हासिल कर लेने के बाद अब मैं वो बिस्तरे मर्द पे जा करके तड़प पड़प के मरने से अच्छा है कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं दो चार दस सेकंड की बात है और वो करूं और सुई वगैरह लगवाऊं और अपने आप को मार लूँ और ऐसा किया तो लोगों ने ऐसा जाता किया तो है तो और वहाँ पर कानूनी वहाँ पर कानूनी एक वो तो एक्टर था या राइटर था बहुत मशहूर हस्तियों के नोट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ मशहूर हस्तियों ने ये लिखे उसमें एक ने लिखा था कि जो मुझे पाना था वो तो मुझे मिल गया और जो मुझे इन्जॉय करना था वो इन्जॉय कर लिया मैं अपनी जिंदगी पूरी जी लिया जी लिया अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ मैं बोर हो चुका हूं अपनी ज़िंदगी से तो बस उसने वहीं जो उसका गोल ख़त्म हो गया ये ये जब देखे जब इंसान के अंदर मादियत परस्ती आती है ना मेटलिस्टिक जब चीज़ें आ जाती हैं उसको सिर्फ मेटर से जो मेटेरियल होता है उसी से मतलब होता है ना तब जब मेटेरियल उसको मिल जाएगा वहीं उसका मकसद खत्म हो।, हो जाएगा हालांकि इस्लाम जो हमें जोड़ता है ना वो अल्लाह कि उसकी रजामंदी हर वक्त हासिल करने की कोशिश करो आपकी जिंदगी का जो आखिरी लम्हा हो ना वो आबूद रबा का हत्या कि आपकी मौत आने वाली हो उस वक्त तक मौत तक अपने रब को रब की याद की इबादत करो उसका जिक्र करो जब मकसद से इंसान जुड़ेगा ना जब अच्छे मकसद से बड़े मकसद से तो वो इन चीज़ों से दूर जी जी असल में ये असल इनका में मकसद, मकसद हाँ मकसद कैसा तो है ये इनका है। जो मकसद है वो अचीवमेंट वाला है ये अचीव कर लिया ये अचीव कर लिया मकसद ख़त्म लेकिन एक मुसलमान का मकसद ये है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करे जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो जो चीज़ ख़त्म ही नहीं होने वाली है तो इंसान का मकसद भी ख़त्म होने वाला नहीं है एक मुसलमान का और इसमें एक बल्कि यही मशहूर लोग थे सब बल्कि एक तो राइटर है और उसने मोटिवेशनल राइटर थी वो लेडी जो थी उसने खुदकुशी की और खुदकुशी करते वक्त तो उसने लिखा नोट जो छोड़ा वो ये छोड़ा कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ क्योंकि जो जिस परेशानी से मैं जूझ रही हूँ ये इस वक्त जो अब तक के जो मुझ पर परेशानी आई वो सबसे बड़ी परेशानी है और इससे निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं है यानी होपलेस इंसान जब उम्मीद ना उम्मीद जब ना उम्मीद हो जाता है हाँ दुनिया अंधेरी हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता है तो अब तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना जो इनके अंदर ज्यादातर इसी तरह की एक तो बोर बोर हो जाते हैं दुनिया से होपलेस हो जाते हैं ये घाटा और खसारा इतना हो जाता है कि उससे उभरने का उनको चांस ही नजर नहीं आता ये सारी चीज़ें मिला करके देखेंगे ना इन लोगों के अंदर अक्सर बेशर पाए जाते हैं तो इसलिए रूह का जैसे जैसे पहले भी बात आ चुकी होगी कभी कि इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है एक तो रूह से मिलकर बना है और जिस्म से मिलकर बना है अल्लाह ने जो जिस्म की ज़रूरियात है ना जिसको जिस्म चाहता है वो सारी की सारी इस ज़मीन के अंदर पैदा की है यहाँ तक के प्लास्टिक भी जो कहा जाता है ना ये भी ज़मीन ही से निकलती है जिसको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं वो सब ज़मीनों ज़मीन से आई हुई है और जो रूह का ताल्लुक है वो ज़मीन से नहीं है ज़मीन से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी इसलिए रूह भूखी होती है और वो तड़पती है इस कदर तड़पती है कि इंसान ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है अगर उस वक्त इस रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ दिया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अल्लाह की याद और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वो मतलब वो जो उसका भोजन जो उसकी गिज़ा है जो जिक्र उसकी गिज़ा है अगर उस वक्त दी जाए तब वो इंसान अपने आप को सुकून में महसूस करेगा इसलिए देखें ना अब इसबाब मान लीजिए अब सेलिब्रिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उनके पास क्या नहीं है उनके पास रहने के लिए आलिशान मकाम है मकान मकान है उनके पास बिजनेस है उनके पास लोग हैं बच्चे हैं सब कुछ है शोहरत है इज्जत है दौलत सब कुछ है लेकिन असल क्या है रूह की गजा नहीं है रूह भूखी भुख है इसलिए उसको मरना पड़ता है वो असल में यही वजह है ना कि जितने आप दिन दिन से जुड़े हुए लोग मिलेंगे ना वो इससे दूर ही रहते हैं आमतौर से नहीं, रिपोर्ट के कि मुसलमानों में बहुत कम शर खुदकुशी करते हैं मुसलमानों में दीन से दूर जो जो लोग करते हैं वो दीन से दूर, हाँ, जो, करते दीन से दूर। जो करते हैं उनका उनका मसला क्या है हमारे अंदर जो ऐसे लोग हैं इनके अंदर अल्लाह से तवक्कुल इतना कम हो गया ना कि जब अगर बीमारी आती है ना तो इस्लाम ने कहा दवाई ले सकते हो लेकिन अल्लाह पर पहले जाना चाहिए कि अल्लाह मुझे बीमारी होगी मुझे शिफा दे उसके बाद दवाई भी ले लेकिन इंसान पहले जाएगा डॉक्टर के पास भागेगा अल्लाह याद नहीं आएगा लेकिन जब डॉक्टर से ठीक नहीं होगा फिर अल्लाह अल्लाह करेगा हालांकि पहला कदम उठाना चाहिए अल्लाह से गिड़गड़ा अल्लाह वही बीमारी दे देने वाला शिफा देने वाला, दे दे, या वाला। है या वो भी परेशानी आए अल्लाह इस परेशानी से मुझे नजात उस दे उसमें एक ये भी बात है ना कि अल्लाह ताला ने जब खुद कहा है कि इनल्लाहा इजतरा मिनल मुमिनीन अन्फुसहुम व अमालम भीमजन्ना अल्लाह ने जन्नत के बदले मोमिनों के नफ्स और उनके माल को जब खरीद लिया है अब जब हमने बेच दिया अपनी जिंदगी को अल्लाह के हाथ में जन्नत के बदले तो फिर इन सब चीज़ों से परेशान होने की कौन सी बात है भाई क्यों डर रहे हो क्यों खौफ कर रहे हो थोड़ी सी बीमारी है कल इनशा अल्लाह से दे देगा आज बीमारी है आज मुश्किल है कल इनशा आसानी हो जाएगी आपके साथ में अल्लाह अबूल आलमी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि इन न माल उसी युसरा हर मुश्किल के साथ में आसानी है जरा तलाश तो करो मुश्किल तो शेख इंसानी जिंदगी में अल्लाह अल्लाह रब्लम ने के रखा कबद अल्लाह ताला ने मुश्किलों आजमाइशों परेशानियों से इंसान को पैदा किया है यानी उसकी जिंदगियों में तो ये रहेगी लेकिन उसको असल में समझना कैसा है ना कि एक इंसान को ये समझना चाहिए कि ये जिस्म मेरा खुद का नहीं है सही बात मेरा जो जिसम है जिसको मैं हलाक कर रहा हूँ ये मेरा अपना ख़ुद का नहीं है क्योंकि आप देखेंगे जैसे रूह की बात की अब्दुल बारी भाई ने इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिसम के हर आजू के बारे में साइंस जानता है और बता सकता है कि कौन सा आज़ू कहाँ पर है कौन सी चीज़ कहाँ पर है लेकिन जिस चीज़ के ताल्लुक से वो बिल्कुल भी नहीं जानता वो है रूह रूह के ताल्लुक से वो कहाँ से आती है कैसे आती है कैसे बनती है और कैसे लम्हे में इंसान के जिसम से निकल जाती है उसके ताल्लुक से कोई नहीं बता सकता खुद अल्लाह तला ने कहा ना यस अलोना का ये अल्लाह की जानब से है लिहाजा जो चीज़ अल्लाह की हो तो आप कैसे उसको छिन सकते हो एक आदमी बोले भाई मैं अपनी जो है भाई की बीवी को तलाक देता हूँ भाई तुम कैसे दे सकते हो तुम्हारी है ही नहीं तो जो चीज इंसान की है नहीं उसको कैसे वो बर्बाद कर सकता है ये जो परेशानी है ना मुसीबत परेशानी ये जिंदगी का हिस्सा है जो इंसान परेशानी पे कदम रख कर आगे बढ़ गया वो कामयाब हो गया और जिसने परेशानी को अपने ऊपर उठा लिया वो टूट गया हलाक हो गया बर्बाद हो जाएगा तो यार परेशानी आनी है इसके ना भाई अंजाम भी तो कुछ अच्छा नहीं होता है सही ऐसे लोग समझते हैं कि अगर हम परेशानी में आकर के खुदकुशी कर लेंगे तो हम सुकून में आ जाएंगे सुकून में नहीं हो सकता वो इंसान ना तो इस दुनिया में सुकून में रहेगा दुनिया से तो तो चलो गया, लेकिन आखिरत उसकी बर्बाद इसमें जो पर... अपने पीछे जिन लोगों को इसमें आदमी खुदकुशी करता क्यों है कहीं लॉस हो गया किसी मुसीबत में टेंशन में है उलझन में है ना तभी करता है ना, ठीक है खुदकुशी कर लिया तो क्या वो मुसीबत खत्म हो गई अबे तुम पे बोझ बोझ गए हो जा तो दूसरे दूसरे कर 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 अरे अब उसके फिर साथ जो जो फैमिली, होती फैमिली तो टूट गई ना फैमिली अगर ही कमाने वाले थे और ही मुसीबत और आजमाइशों पर उतर के नहीं आए आजमाइश पर खड़े नहीं रहे और खुदकुशी कर लिए तो जो तुम्हारे पीछे थे उनका क्या होगा आपके बच्चों का क्या हुआ आपके वालदेन अगर है तो उनके साथ में क्या होगा इन सारी चीजों को आपने क्यों नहीं सोचा आप तो थोड़ा सा मुसीबत उठा सकते थे ना मेहनत कर सकते थे ना दरवाजे खोल सकते थे ना और तरक्की के रास्ते को खोल सकते थे इसीलिए आप वो दरवाजे बंद कर करके और लोगों को तो मुश्किल में खड़ा कर जो लोग मजाहिब को मानते हैं ना जो लोग यानी मजहबी लोग हैं जैसे हम मजहब इस्लाम को मानते हैं कोई जो है हिंदू मज़हब को मानता है कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है तो जो लोग मजाहिब को मानते हैं ना तो वो तो मानते ही है कि ये बुरी चीज़ है लेकिन जो ला मजहब है ला दीनियत जिसको हम कहते हैं तो जो लोग है ना अगर वो भी बैठ करके गौर करते हैं ना तो वो खुद भी ये कहते हैं कि भाई ये गलत चीज़ है कि आदमी कारूं अपने कारूं आप को हलाक कर ले लोगों ने बनाया जो मजहब से हट करे इन्होंने इसको जो है जुर्म है तो इसलिए मैं कहता हूँ ना ये बुजदली और कम हिम्मती की दलील है आदमी अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए रास्ते इख्तियार करता है ऐसा नहीं कि उसने ये कर लिया तो अब आज़ाद हो गया सब कुछ सुख और में, वो उसके अंजाम को उन लोगों ने सामने रख करके लिखा है जिन लोगों ने जुर्म भी लिखा है ना तो उन लोगों ने ये जो अंजाम इसका जो होता है दुनिया में एक मुसलमान है तो चलो वो तो आखिरत पर ईमान रखता है तो आखिरत के आज़ाब वगैरह से डरता है जो इंशाल्लाह अभी जिक्र होंगे लेकिन जो गैर मुस्लिम है जो इस्लाम पर ईमान नहीं रखता जो मुसलमान नहीं है तो वो भी जब इसके दुनियावी नतज को देखता है कि मेरे अकेले के जाने से सारी चीजें खत्म नहीं हो गई एक आदमी है जिसने लाखों रुपए लोन लिया कर्जा लिया बैंक से अब वो जब मर जाता है तो क्या बैंक वाले छोड़ देते हैं कि चलो जाने तो मर गया उसके बीवी बच्चे हैं पीछे उनकी जान खाते हैं उसके तो घर वालों का अब जीना हराम हो जाता है ये तो एक शक्ल है कि वो बर्डन बोझ बन के जाता है और बोझ पैदा करके जाता है दूसरी शक्ल है कि इनकी मौत भी तो मौत भी अच्छी नहीं होती है मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया अपने फांसी पर पलट गया अगर वो अकेला रहता था या घर में अगर रहते भी थे कुछ लोग लेकिन बाहर अगर चले गए फिर वो अकेला तो उसकी लाश सड़ जाती है ऐसे कितने लाश सड़ जाती है उठाने लायक नहीं रहती है ऐसी भी मिसाल छूना पसंद नहीं जो चीज़ आपने जिक्र की ना ठीक है वो चले गया अरे भाई ठीक है वो जाने के बाद वो परेशानियां वो दिक्कतें सारी हैं लेकिन उसके बाद जब वो चले गया तो उसकी जो अपनी जिम्मेदारियां थी उनको कौन अदा करेगा

वो इंसान जहन्नम में जाएगा और जहन्नम में उसी धार धार चीज़ के जरिए से अगर उसने जहर पी करके के किया है तो जहर पीता रहेगा जहन्नम में अगर उसने अपने आप को छुरी से जरिए से हला किया है तो छुरी भोगता रहेगा वो अपने पेट में अगर किसी ऊंचे पहाड़ से या ऊंची बिल्डिंग वगैरह से कूद करके मरा है तो वो उस वक्त वो जहन्नम में भी ऐसे ही कूदता रहेगा इस तरह के जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में में जिक्र किए जहन्नम जाए सुनाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्म जंगे खैबर के वक्त एक सहाबी को लोगों ने देखा कि वो जो है मतलब बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं और लड़ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से बहुत बहादुरी से सोचिए एक शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है जंग कर रहा है कितना बड़ा काम वो कर रहा है उसके बावजूद लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि देखो ये जन्नती लग रहा है इतना अल्लाह की राम में जिहाद कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जहन्नमी साहबा कराम हैरान हो गए कि वो आदमी तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ते और लड़ते जिहाद कर है। रहा है और लड़ रहा है तो साहबा इक्राम का लेकिन ईमान था उन लोगों ने देखा उस शख्स को तो वो लड़ते लड़ते उसको जख्म लग गया और वो जख्म की ताब ना ला सका उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तीर निकाल के अपने आप को हला कर लिया खुदकुशी जब देखा उन लोगों ने खुदकुशी कर लिया उसने जब उन लोगों ने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा कि अल्लाह के नबी आपने सही कहा था अल्लाह का वाज्ला आपको मत मारो उस हुक्म की अगर कोई पामाली करेगा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाह ऐसे लोगों को बख्श देगा हालांकि जब आगे अल्लाह ने खुद अगले टुकड़े में कहा काना बिकुम अल्लाह कहाीम मेहरबान है उस मेहरबानी के जानने के बावजूद भी कोई इंसान अगर इस तरह का कदम उठाए तो वाकई वो इस और ये इस्लाम नहीं, में इस से था।, था इससे पहले भी ये मामला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुरानी कौमों का तस्करा करते हुए कहा कि एक शख्स की उंगलियां कट गई तो उसने अपना हाथ काट लिया हाथ काटने की वजह से खून बह पड़ा और वो मर गया अल्लाह ताला ने कहा बादरनी अब्दी बिनफसी कि मेरे बंदे ने जो है अपने नफ्स पर जल्दी कर ली हर्रम तो अली जन्ना, मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी और ये जिसम क्या छोटी है। है। छोटी तो बात में अल्लाह रबालम कहा कि अगर कोई इंसान रातों रात, रात नमाज पढ़ता है इबादत करता है तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे आँख पर तुम्हारा हक है भाई आप पूरी रात नमाज नहीं पढ़ सकते हो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हो सोचो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे आंख पर तुम्हारा हक है तुम्हारे जिसम पर तुम्हारा हक है तो ये क्यों नहीं सोचता है कोई इंसान क्यों कत्ल कर लिया अपने आप को अपने आप को थकाने से भी मना है इतना, इतना इबादत करो कि तुम अपने आप को हलाक कर तो 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 रवायत आपको वो अपने घर में एक रस्सी लटका के रखी थी मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी जब कभी थक जाऊंगी तो मैं उससे लटक जाया करूंगी टेक लगा करके ऐसे नमाज पढ़ूंगी अल्लाह के रसूल ने देखा और वजह पूछी तो वजह जानने के बाद अल्लाह के रसूल ने उसको हटवा दिया आ, जब तक चुस्त फुर्त तो हो आप जब तक नमाज पढ़ो जैसे पढ़ना होता है यानी जान जान लेना तो दूर दूर जान लेना तो तो दूर की बात छोटी सी कोशिश तो करना भी इस्लाम में अल्लाह की इबादत जो मतलूब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो एक इंसान से मतलूब है अल्लाह की इबादत उसमें भी अगर कोई इंसान अपने नफ्स पर अपने जुल्म अपने जिस्म पर जुल्म कर रहा है तो अल्लाह रबालमी को वो भी पसंद नहीं वो भी नहीं चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल सही जान तो बहुत दूर की बात सोसाइटी में कल्चर कल्चर हो रहा है और ख़ास करके अकेडमी से जुड़े रहते हैं यानी लोग दसवीं बारहवीं में जो लड़के होते हैं वो ख़ास करके इनकी रिपोर्ट आती है कि वो लोग सुसाइड करें और एक तरह से हमने देखा था कि सत्तर प्लस लोग भी सुसाइड करते हैं क्योंकि वो जिंदगी समझ में नहीं आता अब हम तो है इसमें अब हल क्या पेश किया जाए समाज के वही ना कि सबसे पहली चीज ये ना कि ये ईमान और अकीदा होना चाहिए कि जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ नहीं हो सकती खुशियों के साथ तकलीफ़ें और मुसीबतें भी आएंगी ये जिंदगी का हिस्सा हैं इस बात को मानना पड़ेगा तो जब भी जिस तरह की मुसीबत आए तो उस मुसीबत से कैसे निकलना है इसका हल इस्लाम पेश करता है तो उसकी रोशनी में आपको उस हल से निकलना है आपको यह ख़ुदकुशी यह हल नहीं है इस चीज़ को समझना यानी सबसे पहले तो एक मुसलमान अगर कोई है ना तो वो उसको ये समझना चाहिए कि दुनिया में अगर मेरे ऊपर मुश्किलें हैं छोटी छोटी परेशानियां हैं अगर मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं तो आख़िरत की बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे बर्दाश्त करूंगा जो अजाब अल्लाह ने रखा है ये सारी चीज़ें एक मुसलमान है तो उसको ये समझना चाहिए और दूसरी बात मैं ये कहूँगा इसमें कि इसमें आस वालों को बहुत हसास होना चाहिए आसपास जो लोग जिंदा है जी रहे हैं जिनकी जिंदगी अच्छी कट रही है हमारा मामला ये है कि हर कोई अपने अपने में मामले में मस्त है।, है अपने में ही मगन है अपने में ही गुम है लेकिन उसको ये चाहिए कि हम मैं और आप अपनी सोसाइटी में अपने घर वालों में अपने रिश्तेदारों में नज़र रखें और ऐसे लोग क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई आदमी खुदकुशी कर लेता है तो किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि उसके अहसास होते हैं उसकी कुछ अलामत होती है कुछ निशानियां होती है जिसको देख करके सामने वाला समझ सकता है कि ये इसका इरादा सही नहीं है इसका कम कम हाँ, बोलता 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 है, है, से इरादा जिंदगी से मैं जिंदगी से सुसाइड करने के बारे में सोचता रहता है बिल्कुल बिल्कुल यानी उसकी हाँ उसकी अलामत नजर आ जाती है सामने वाले को तो जो हसास लोग होते हैं समझदार लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं तो ऐसे लोगों को एक तो अकेला ना छोड़े मैं जहाँ तक कहता हूँ अकेला ना छोड़े दूसरा ये कि उसकी परेशानी को अगर हम दूर कर सकते हैं किसी वजह से तो हम दूर करें किसी ज़रिए से और अगर नहीं दूर कर सकते हैं तो कम से कम उसे अच्छे मशवरे दें और इसमें नहीं इसमें खास बात ये देखिए कि आदमी जब परेशानी में आता है मुश्किल में आ जाता है वो खुदकुशी करता है मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी मुसीबत छोटी बड़ी आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हैं तो आप किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार किसी के भी सामने जिसको आप अच्छा समझते हो तो काम मुसीबत रखें शायद वो आपकी मदद कर दे या मदद नहीं तो कम से कम वो आपको तसल्ली देगा और अगर कोई भी दुनिया में नहीं है ना पहली बात तो ऐसा होता नहीं अगर कोई भी नहीं है तो कम से कम अल्लाह ताला तो है अल्लाह के सामने रात की तनहाई में आप रोएं अल्लाह से मांगे मदद मांगें तो अल्लाह ने खुद तक खुदन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है इसमें मैं एक मैं चीज़, मैं चीज़ और इजाफा कर दूं कि बहुत सारे जो नौजवान इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो जो गैर मुस्लिम है अगर वो लो भी लोग भी कर रहे हैं तो उनको भी गौर करना चाहिए कि घर के माहौल को ठीक करें चीज़ों को ठीक करें कम अज़ कम कुछ नहीं तो कोई ऐसा दोस्त बनाएं जिसके सामने आपने हर चीज़ बयान कर सकें अगर आपके पेरेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर पेरेंट्स आपके वो दोस्त नहीं हैं जबकि हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का दोस्त बने उस तरह से जैसे कि हर राज अपना बच्चा अपने दोस्त को शेयर करता है।, है वैसे आपके सामने शेयर करें तो चाहिए कि कोई इंसान अपना कोई दोस्त बनाए ऐसा दोस्त जिससे हर बात हर बात कह सकता है उसे कहे अगर किसी के कान में ये बात उसके दोस्त ने कही है उसको चाहिए कि वो एकदम करें किसी रिश्तेदार को बताएं, किसी और को बताएं, किसी जानकार को बताएं, ताकि इस मुसीबत से इसको निकाला जा सके जैसे कि शेख ने बात की थी कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए बच्चे को फ्रेंडली रखना चाहिए ताकि वो अपनी अंदरीनी परेशानियों को जिक्र कर सके वो जो मैं जिक्र किया था कि गेमिंग के मसले में बच्चे ने अकाउंट से पैसे कटवा दिए थे और उसकी टेंशन में आकर उस बंदे ने सुसाइड कर लिया अगर वो बच्चा माँ बाप से इतना फ्रेंडली होता तो बताता कि ये परेशानी आई है तो इसका क्या हल होना चाहिए तो माँ बाप उसको समझाते उसकी जान तो नहीं ले लेते जान तो चाहे वो जितने लाख रुपए थे लेकिन जान से कीमत जान तो नहीं थी तो और इसके, और इसके बारे में मैं ये भी कहूँ कि घर के माहौल को ना थोड़ा सा हंसी माहौल का बनाओ भाई हंसी मजाक करो घर में घर में ऐसे माहौल रखो कम से कम घर में बच्चा आए तो बाहर जाने की को कोशिश ना करें कम से कम घर में वो माहौल दो बच्चों को जो बच्चे घर में खुश रह सकें आप घर में खुशी नहीं है तो कहाँ जाकर खुशी तलाश करेंगे भाई और खुदा ना खासता वो खुशी जा अब घर का माहौल बहुत खराब है वो बच्चा गया किसी कॉलेज का लड़का है या लड़की है किसी के सामने प्रपोज किया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो क्या वो सामने से क्या कर दिया इनकार कर दिया रिजेक्शन मिला सुसाइड कर लेता है बच्चा अरे बच्चों को भाई इस तरह से ट्रेन करो कि बच्चा अगर रिजेक्शन मिलता है तो मिलने दो ना क्या फर्क पड़ता है वो बच्चे कम सुसाइड करते हैं जो बच्चे गांव के होते हैं उनके साथ में मामला क्या होता है वो बहुत नाजो नखरे के साथ पले हुए नहीं होते हैं वो आराम से कल गाड़ी चल रही है उस पर चढ़ जाएंगे कुछ और बदमाशी कर रहे हैं जो कुछ आज उनको आपने दिया अकेले थोड़ी हो दुनिया में ये माहौल होना चाहिए ना बहुत लंबी लंबी आर्जुए नहीं होनी चाहिए तवक्कुआत बहुत ज्यादा क्योंकि इसमें कभी कभी कैसा होता है आदमी जब फेल होता है ना तो फिर ये सबब बनता है ना लिमिट में रखे कहा जाता है ना

बस जो जहाँ से तो आ रहा तो है चलने तो देखा जाएगा तो तवक्कुआत लंबी लंबी जब होती हैं आदमी फेल होता है जब फंस जाता है कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो फिर आदमी तो तो ऐसे जो बच्चे हैं ना जो जिनको इस तरह की थॉट्स आने लगती है कि अब मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए खुदकुशी कर लेनी चाहिए तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए तन्हाई में रहने से जी तन्हाई में रहने से बचे तन्हाई में ना बैठे बल्कि वो महफिलों में जाकर के बैठे अगर कहीं खेल कूद हो रहा है आउटडोर्स गेम है वहां जा के उन लोगों के साथ खेले या महफिल जो दोस्तों की महफिलें होती है उसमें बैठे फैमिली के जो भी होती गैदरिंग होती है उसमें जाए पिकनिक में जा सकता है बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स उसके हो सकते हैं उन पर काम कर सकता है प्रोजेक्ट बना सकता है लेकिन अकेले में ना बैठे बिल्कुल बिजी उसको रखना है अगर तन्हाई में बैठेगा तो तन्हाई वो शैतान का दिमाग वो शैतान का घर होता है खाली दिमाग जो होता है तन्हाई में बैठेगा शैतान उसके दिल में गलत गलत ख्याल डालेगा और वही चीज उसके ऊपर दबाव बनती दबाव बनेगा डिप्रेशन में आएगा और यही इसकी खुदकुशी का सब तो, 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 कर तो जिक्र करूं कि जो भी कुछ मामला हो रहा है ठीक है आपसे गलती हो गई जो होना तो हो चुका है ये मत सोचो कि आप क्या होगा अब मतलब लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे सही लोग क्या कहेंगे ये तुमको सोचने की क्या जरूरत है भाई जो हो गया तुमसे हो गया अगर तुमसे गुना हो गया है कि मुसलमान हो आपसे गुना हो गया है तो अल्लाह से माफी मांगो अगर किसी का हक आपने ले लिया है तो उसको वापस करने की कोई सोचो और कुछ अगर इस तरह के मामला हो गए हैं तो उसको निपटारा करने का मतलब जरा उठानी है ना तो शर्मिंदगी उठा लो लेकिन ये रास्ता और जैसे शेख ने जिक्र किया ना कि लोग क्या कहेंगे मतलब पॉजिटिव इंसान सोचे पॉजिटिव थिंकिंग उस इंसान के पास होनी चाहिए निगेटिव सोचेगा ना अगर निगेटिव सोचेगा तो ये खुदकुशी का चांस उसके बढ़ जाएंगे पॉजिटिव के बारे में देखिए अमेरिका में चुनाव होते थे तो पहले ए, किसी का एक का था हाथी चुनाव चिंता और दूसरे का था गधा दे दिया गया उसको लोग उस पर हंसने लगे कि इनसे तो गधा मिलाए तो वो बंदा यहाँ पर निगेटिव नहीं हुआ कि मुझे गधा मिल गया मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा वो तो वो वो बंदा निशान है यार, वो खड़ा थोड़ी ना गधा नहीं, नहीं, उसने क्या कहा आ, उसने कहा कि देखिए गधा जो है वो सबसे ज्यादा मेहनती, मेहनती जानवर है उसको जितनी मेहनत तुम करा सकते हो जितने भी काम ले सकते हो वो सारे काम करके देगा तो तुम मुझे अगर चुनोगे ना तो मैं इसी गधे की तरह तुम्हारे लिए काम करूंगा वो जीत गया पॉजिटिव थिंकिंग अगर बहुत बहुत खूबसूरत बहुत अहम बात है की निगेटिव में भी आदमी पॉजिटिव तलाश करने की कोशिश करे अंधेरे में कोई चराग जलाए वो वो अपने आप को मजीद अंधेरे में ना डाल दे बल्कि वो उसमें सोचे कि क्या हल निकल सकता है इससे इस निकलने का रास्ता क्या है अगर निगेटिव होकर बैठा रहेगा तो इसके अलावा तो कोई रास्ता उसको साथ में नहीं कुछ वर्जिश वगैरह करे जिम वगैरह जाए गाइडिंग वगैरह करे लोगों में बैठे लोगों से बात करे चाहे कुछ लोगों के प्रॉब्लम शेयर करे कुछ लोगों को सदका दे जो गरीब लोग हैं जो ना जो गरीब लोग हैं खासकर उनके साथ में जाकर के कुछ गिफ्ट वगैरह दे और वो अपने आप को काम बना ले इस तरह की ये सारी चीज उसके, उसके कर इलाज कर किया जा सकता है जो ऐसे लोग हैं ना जो परेशानियों से गुजर रहे हैं खास करके एक्सीडेंट जिनका हो गया है या जिनके इंजरी खतरनाक हुए खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उन लोगों से मिले उनकी परेशानियां देखें परेशान हाल लोगों से मिलेगा ना तो उनको पता लगेगा कितने परेशान लोग हैं और ये अपने आप को बिठा ले कि तुम दुनिया में अकेले परेशान नहीं हो परेशानियां हजारों लोगों के ऊपर आई है तुमसे ज्यादा आई है नाम

अपने आप को मुसलमान बोलते हैं और शहादत का जाम पीने की को कोशिश करते हैं और ऐसा काम करते हैं कहीं जाके मतलब वो सुसाइड वाला बम पहन लिए ये सारी चीजें करते हैं वो बिल्कुल ये इस्लाम नहीं और कोई ये शहादत नहीं है बल्कि ये अपने तो आप की हलाकत ये में डालना एक खास चीज ये है ना कि आमतौर पर जो मुसीबतों में उलझनों में आके लोग खुदकुशी करते हैं इंसान को ये समझना चाहिए ना ये मुसीबतें जो है ना ये आजमाइश है अल्लाह तला आजमाता भी है ना कभी बीमारी देकर कभी कारोबार में नुकसान कभी कुछ मतलब किसी तरह की मुसीबत अल्लाह तला कैसे भी आजमा सकता है भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो सकता है तो आदमी ये सोचे कि ये आजमाइश है आजमाइश में क्या करना है आदमी को सब्र करना है आदमी को सब्र करना है मुखालिफ अगर कोई चीज है ना तो सब्र करना ही है यही मजबूत अपने आप को सब्र आदमी सब्र करे और उससे निकलने की कोशिश करे कि कैसे निकलेगा उससे कैसे उसमें कैसा है कि लोगों की मदद ले सकता है उसके साथ अगर कोई नहीं भी है तो भी वो सब्र करे अल्लाह से मदद मांगे अल्लाह से लो लगाए नमाज़ पढ़े भी होता है ना कि किसी से पूछ ले अपनी काउंसिलिंग इंसान की ख़ुद की होनी चाहिए कि वो जब उसके ख़्यात ऐसे ज़हन में आ रहे हैं जैसे हमारा जो आई प्लस टी वी का हेल्पलाइन नंबर है नाइन फाइव ट्रिपल एट ट्रिपल एट टू सिक्स तो उस पर कॉल्स आते हैं लोग कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा दिल ऐसे कर रहा है हम ऐसे चाह रहे हैं क्या हम करें तो फिर उनको समझाया जाता है आप यकीन नहीं मानेंगे अल्लाह गवाह है कि ऐसे कई लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया कि हमारा दिल चाहता था कि हम खुदकुशी कर लें हत्या कि हम स्टेशन पर खड़े थे हमारा दिल किया कि हम खुशकुशी कर ले कई मरतबा और वहीं से उन्होंने कॉल किया उसके अलावा आई प्लस टी वी की मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने यह कहा कि आपका चैनल देख के हमें पता चला कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ ख़राब है ये चीज़ से बचना चाहिए तो ये हकीकत है तो मतलब ये है ना कि इंसान अपनी काउंसलिंग करवाए किसी से जाकर के अपने दुख बांटे तो वो आपको अच्छी नसीहत तो करेगा खैर की नसीहत कहीं ना कहीं नहीं से, नहीं, नहीं नहीं, से मदद मिल जाती है कुछ तनजीमें भी ऐसी मदद करने के लिए ऐसा नहीं अगर आप सुसाइड लिखेंगे ना सिर्फ सुसाइड भी लिखेंगे तो हेल्पलाइन नंबर आ जाता है जी बिल्कुल और शेख में कहना चाह रहा था कि ऐसे लोगों को खुल के जीने की कोशिश करनी चाहिए डिप्रेस हो जाता है ना बंदा वो बंद रहता है एकदम चाहता हूँ अगर किसी के ऊपर

गुस्सा निकाल करके फिर आप आगे बढ़ो जरूरी नहीं है कि आप घुट घुट कर की जिंदगी सारी चीजों को देखते हुए कुछ मुख्तर सा पैगाम आपका क्या रहे है देखिए दो बात शॉर्ट में मैं कहूंगा एक तो ये अल्लाह तुकलीफुल्ला मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता तो कितनी भी बड़ी मुश्किल आए कितनी भी बड़ी परेशानी आए कितनी भी बड़ी तकलीफ़ आए एक मुसलमान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इतनी बड़ी परेशानी को झेल सकता हूँ लिहाजा वो अपनी परेशानी को झेले सब्र करे उस पर अल्लाह ताला आज देगा आ, और हाँ। जी और एक आखिरी बात, आखरी बात, 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 थी बात थी जी जी और आखिरी बात ये कि ये समझें कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है इसके बाद के जो मराइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ख़ुद अपने लिए भी अपने घर वालों के लिए भी ज़्यादा इससे बचना चाहिए कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो बल्कि मुसीबतों का पहाड़ भी टूट जाए ना तो उससे निकलने के इस्लामी उसूल क्या इस्लाम ने क्या बताया उसको देखें और इस तरीके से ज़िंदगी में इंजॉय करें खुशियों के मौके तलाश करें खुश रहे और लोगों को खुशियाँ दें बाटे और फिर उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ ना कि कामयाबी ये है कि इंसान नाकामियों में भी कामयाबी का चराग जलाने की कोशिश करें मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि हम मुसलमान हैं तमाम गैर मुस्लिमों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस्लाम को एक मरतबा पढ़ें इस बीमारी से निकलने के कितने बेहतरीन नुस्खे अल्लाह रबीन ने कुरानी मजीद में रखे हैं मैं आपको सिर्फ एक वाक्य के इशारा करके बस बात खत्म करूंगा कि हजरत मूसा अली इस्लाम जब बनी इसराइल को लेकर के निकले तो पीछे से फिरोन का लश्कर है जो आपको हला करने के दर पर है और आगे, समंदर। आगे समंदर है उसमें आप हलाक हो सकते हैं बीच में कोई रास्ता नहीं है वहां पर हज़रत मूसा स्लम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा इन नमाई रबी सयादी बेशक मेरा रब मेरे साथ है। कोई रास्ता निकालेगा तो ये रास्ता खुदकुशी कोई हल नहीं है अल्लाह रबालमी ने रास्ता रखा है आपको तलाश करने की जरूरत है तो जितने भी दुनियावी हल हो सकते हैं सब उसको अपनाने के साथ साथ एक मुसलमान होने के नाते इंसान ये समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो, जो मुसीबतें देता जी है जी जो आसानियां देता है उस पर तवक्कुल करे भरोसा करे जितना मजबूत तवक्कुल होगा ऐसे सारी बीमारियों से इंसान दूर हो जाएगा वो याद करे कि हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था उन्होंने क्या कहा था हस्बी अल्लाह मेरे साथ अल्लाह जब हज़र मसीलाम के बाद आई उन्होंने कहा इन्माइया रबी सैदीन मेरे साथ मेरा रब है वही हिदायत देगा जब नबी स के पीछे को कुरेश पड़े हुए थे अबू बकर घबरा गए कि वो पीछे आ गए हैं अल्लाह के नबी ने क्या कहा था ला अल्ला त हजन अल्लाह हमारे साथ दे दे। है और इसी तरह से ये भी याद रखे पर इन्ना आलूसरी यूसरा नमा आलूसरी यूसरा अल्ला ने दो बार कहा कि अगर परेशानी है तो उसके साथ जस्ट आसानी है इंतज़ार तो कर लो थोड़ा सा थोड़ा सा सब्र तो कर लो अगर सब्र करोगे तो जस्ट आसानी मिलेगी और अल्लाह आलमीन जो है ना एक बात को बार बार नहीं दोहराता अगर दोहराई है ये बात अल्लाह ने दोनों एक ही सेंटेंस में दोहरा दी एक ही तरह के सेंटेंस में कि यकीन परेशानी के, के साथ आसानी है, है। तो इंसान समझे कि आसानी है तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे उसके साथ छोड़ दे अल्लाह आलमीन जहाँ ले जाना चाहे अल्लाह आलमीन के हुक्म पर वो चल दे इंसान उसका यह ना देखे कि अब मेरा क्या होने वाला है वो रब्बुल रब्बालमीन को सुपुर्द कर दे मुकम्मल तौर से अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अगर ऐसा करेगा तो ताला इन सारी परेशानियों की नौबत ही नहीं आएगी न इंसान सुसाइड में जाएगा ना डिप्रेशन में जाएगा और ना इस तरह की जहनी तकलीफ़ों का शिकार होगा तो हाजरीन आज का ये प्रोग्राम हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी ख़ुद हमें हौसला मिला हमारे भाइयों ने जो हमसे बातें शेयर की हैं इन श्ला आप भी इसको सुनेंगे तो आपको भी हौसला मिलेगा और आपके जो भी इस तरह के भाई हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं या इस तरह की थॉट्स रखते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आई प्लस टी को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या तजुर्बा हैं ऐसे लोगों के साथ जो इस तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ किसी और मौजू के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए i+tv अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू दीन की बात आम करने में i+tv की मदद करें Paytm या Google Pay के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें